अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ है रोहित, ऐसे मुझे यहाँ क्यों लेके आई है? देख, केके पे हमेशा लोगों ने उंगली उठाई है, उसे बुरा कहा है, यहाँ तक कि कभी किसी ने अपने बेटे का नाम केके ही नहीं रखा। पूछ क्यों? क्योंकि वो केके ही थी जिसने राम जी को वनवास भेजा ताकि उसका बेटा भरत राजा बन सके। यू नो व्हाट, जब भी मैं ये सुनती थी या फिर पढ़ती थी ना, तो मुझे भी लगता था कि केके गलत थी, बट नो, शी वाजंट रॉन्ग। उसने वही किया जो एक माँ अपने बेटे के लिए करती है। शी वॉज राइट। रो, सब ठीक है ना? हाँ, तू कब से ये सब माइक वाली बातें करने लगी? क्या बोलना चाह रही है? बेब्स, दिस इज द टाइम। अब तुझे भी केके ही बनना होगा ताकि शौर्य की लाइफ में तेरी एक इम्पोर्टेंस हो, एक रिस्पेक्ट हो, ताकि बाकी लोग भी तुझे वो रिस्पेक्ट दे और गलत ना समझे। रो, गोल गोल करके बात करना बंद कर, जो भी है सीधा सीधा बोल। मेरी बातें शायद तुझे सुनने में अच्छी ना लगे, तेरे लिए ये पेनफुल भी हो सकता है, तू हर्ट भी हो सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। करण तुझसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रीता से प्यार करता है। बेब्स, तूने क्या कुछ नहीं किया करण को हासिल करने के लिए, लेकिन क्या मिला तुझे? हाँ, करण आज भी उस प्रीता का है और हमेशा रहेगा। और वो प्रीता, ओ गॉड यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो कौन से मुहूर्त पे कौन से भगवान से अपनी किस्मत लिखवा के लेके आई है। यार, उसकी याददाश्त चली गई, वो सब कुछ भूल गई, लेकिन फिर भी करण उससे बहुत प्यार करता है, आज भी उसी का है और उसी का रहेगा। देखना बेब्स, वो दिन दूर नहीं है जब करण प्रीता को लूथरा हाउस में लेकर आएगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो तेरा क्या होगा बेब्स? हाँ, तो तुझे अगर तेरी जगह लूथरा हाउस में सिक्योर करनी है, मुझे उन लोगों का सपोर्ट लेना होगा जो जो उस घर के इम्पोर्टेंट लोग हैं, जिनकी उस घर में चलती है, जैसे कि शौर्य। तूने आज तक जो भी किया वो करण के लिए किया ना, अब तुझे शौर्य के लिए करना होगा। शौर्य को ये एहसास दिलाना होगा कि वो तेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकती है। और अगर शौर्य को कुछ हो गया तो तू जी नहीं पाएगी। पर इसमें झूठ कहाँ है, क्या है? शौर्य के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, शौर्य मेरी जान है। ड्रो, देख, तुझे जो भी बोलना है ना, मुझे सीधे लफ्जों में बोल कि तू क्या कहना चाहती है। देख बेब्स, मैंने जो देखा है ना, ये लूथरास शौर्य की तरह राजवीर को भी अपना पोता मानने लगे हैं, लूथरा फैमिली का सदस्य मानने लगे हैं। आई नो करण से तेरी अब तक नहीं बनी और आगे भी नहीं बनेगी, बट शौर्य स्ट्रांग एंड केपेबल भी है तुझे सपोर्ट करने के लिए। पर बेब्स, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि लूथराज का प्यार अगर यूं ही उस राजवीर पर बरसता रहा ना, तो शौर्य भी केपेबल नहीं रहेगा। आई मीन, उसकी पकड़ भी इतनी मजबूत नहीं रहेगी। ट्रस्ट मी बेब्स, मैं वहां थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लूथराज की आंखों में उस राजवीर के लिए पागलों वाला प्यार मैंने फील किया है। तो देखना, वो दिन दूर नहीं है जब शौर्य का आधा प्यार, आधा ओहदा और यहाँ तक कि आधी प्रॉपर्टी उस राजवीर की हो जाएगी। तो राजवीर क्या हुआ तेरे लिए? हाँ, तेरे रास्ते का कांटा। और अगर तुझे तेरा फ्यूचर इस कांटे पे चल के नहीं गुजारना है, तो इस कांटे को तुझे काटना होगा। राजवीर का कुछ तो करना होगा। बेब्स, I don't know one thing. सृष्टि के बाजू में राजवीर का भी बेड लगवा दे, उमा में पहुंचा दे उसे। बप्पा, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज आपको राजवीर की जान बचानी होगी। उसने आज तक इतने सारे लोगों की मदद की है, उन्हें बचाया है, आज ना आपकी बारी है, आज आपको राजवीर को बचाना होगा, कैसे भी, प्लीज।
आपको लगता है बहुत अच्छे इंसान है, गॉड फादर। स्टॉप इट। अरे बहुत बुरे इंसान है वो, उन्होंने बहुत बुरा किया है हम सबके साथ। तुमने अपनी पर्सनल बात मुझे बताई नहीं, तुम खुद इतने परेशान लग रहे थे तो तुम्हें देखकर मैं परेशान हो गई, क्या करूं? पलकि मेरे लिए परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी परेशानियां खुद हैंडल कर सकता हूं। तू ऐसे रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो रहा, मैं ठीक, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी शरण। मैंने क्या कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। राजवीर ने आज तक मेरे लिए इतना सब कुछ किया, उसने कितनी बार मेरी जान बचाई और मैंने क्या किया? मैं बस हमेशा उससे लड़ती थी, झगड़ती थी, नाराज हो जाती थी बेवजह सी बातों पर, जैसे कि ये मेहंदी का डिजाइन, ऐसी बातों पे मैं उससे झगड़ ली। मैं हमेशा उससे नाराज हो जाती थी क्योंकि वो लूथरा से खफा रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो उनके साथ कितना गलत कर रहा है, उनके बारे में कितना गलत सोच रहा है, लेकिन गलत मैं थी। वो आज उनकी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। शनाया, मैंने राजवीर के बारे में क्या क्या सोच लिया, मुझे लगा वो इतना बुरा कैसे हो सकता है, बट वो कितना अच्छा है और मैं कितनी गलत हूँ। नहीं, तू बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है पलकि, ऐसा कुछ नहीं है। और राजवीर बहुत अच्छा है, लेकिन पुरानी बातें याद करके ऐसे रो मत, वो पुरानी बातें हैं। नहीं, कोई पुरानी बात नहीं है। मैंने आज तक उसे गोली लगने से पहले तक उससे झगड़ा किया, अगर उसे कुछ हो गया ना तो फिर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ऐसे मत बोल, उसे कुछ नहीं होगा। तुम दोनों तो एक दूसरे से कितना प्यार करते हो ना, तुझे पता है जब तो लोग आपस में एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं ना, तो भगवान जी उन्हें कभी अलग नहीं करते। तुझे पता है बहुत बहुत मुश्किल से ना जिंदगी में किसी को प्यार करने वाले मिलते हैं, तेरी तुझे किस्मत से भी इतना प्यार करने वाला मिला है। तुझे पता है ये जो प्यार होता है ना, ये रब देते हैं, और जब रब प्यार दे देते हैं ना तो कभी वापस नहीं लेते हैं। फिर को कुछ नहीं होगा, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।